नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी सीटेट से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियो आपने देखी है उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। किसी ने अगर ये दो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। फर्स्ट टीचिंग मेथड के ऊपर है और सेकेंड वीडियो जो मैंने आपकी बनाई थी वो जरूर देखिएगा दोनों। तो थर्ड वीडियो में हम टोटली बात कर लेंगे लर्निंग के ऊपर, पियाजे की थ्योरी के ऊपर, और पियाजे की थ्योरी में जो चार स्टेज हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो चारों स्टेज हम देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप 2011 से लेकर के 2019 तक के किसी भी पेपर को उठा लीजिए, हर पेपर में आपको 5-6 क्वेश्चन, किसी किसी पेपर में 8-10 क्वेश्चन भी आपको इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप तक अभी तक आपने कोई सीटेट पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने सारे डाउट क्लियर करिए। अगर तब भी अगर आपके लगता है आप डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पियाजे की थ्योरी का। तो पियाजे की थ्योरी को समझने से पहले हम समझते हैं कि लर्निंग क्या होती है, यानी कि अधिगम क्या होता है। पहले हम अधिगम के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं या उसका मीनिंग या अर्थ को हम सीखना सीखते हैं पहले क्या होता है। जैसा कि आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने मीनिंग को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। मीनिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू और प्रेफरेंस। इसका मतलब यह है कि मीनिंग जो है लर्निंग या अधिगम का ये है कि किसी भी नई चीज को धारण करना या फिर पुरानी चीज जो हमारे अंदर है उसमें कुछ मॉडिफाई लाना, चाहे वो हमारी नॉलेज यानी कि ज्ञान, चाहे हमारे बिहेवियर यानी कि हमारा जो आचरण है उसे, या कोई भी हमारी कोई स्किल या कोई वैल्यू हमारी, या फिर कोई हमारी प्रेफरेंस जो यानी कि हमारी कोई प्राथमिकता जो होती है। तो इन सब चीजों के अंदर या तो हम कुछ नई चीज सीखते हैं या पुरानी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हाँ, इस चीज को लर्निंग या अधिगम कहते हैं। ये सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं होती बल्कि ये एनिमल के अंदर भी है, मशीन के अंदर भी होती है। मशीन का मतलब यहाँ पे रोबोट से है। और इतना ही नहीं ये एविडेंस ये भी मिलते हैं कि लर्निंग जो होती है वो प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप कोई ऐसा प्लांट, कोई भी प्लांट आप धूप में रखिए और उसे किसी छाई में रख देते हैं और जहां पे धूप थोड़ी कम आती है, तो प्लांट का पूरा हिस्सा, उस पौधे का पूरा हिस्सा जिस तरफ सूरज निकलता है या सूरज की रोशनी आती है उस तरफ फेस करने अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लेती है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट भी सीखता है कि रोशनी किधर है। तो उसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिगम जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं बल्कि एनिमल के अंदर भी, मशीन के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी होती है। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब है स्किल, और नॉलेज यानी कि किसी चीज का ज्ञान, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ज्ञान को, हमारे नॉलेज को, हमारे एक्सपर्टीज यानी कि हमारे किसी कौशल को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस दैट लीड टू चेंज। ऐसा प्रोसेस जो हमारे अंदर कोई चेंज लाता है, कोई हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आता है। ये कब होता है? ये हमारे किसी जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमारे एक्सपीरियंस में कुछ एक इंक्रीमेंट होता है, कुछ फायदा होता है, हमारी जो पोटेंशियल होती है यानी कि हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है यानी कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी चीज में, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। मतलब लर्निंग के ये बेनिफिट्स भी कह सकते हो, जिसे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में डाला गया है। ये जिस पर्सन का पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जीन पियाजे है। ये पर्सन है जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में इनकी स्पेशलाइजेशन थी और इन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरी दी, और उन थ्योरी में से एक थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिन्होंने 1920s के जो डेकेड है यानी कि 1911 से लेकर 1920 तक जो डेकेड था, इस बीच उन्होंने काफी रिसर्च वर्क किया था बच्चों के ऊपर, और बच्चों को काफी नजदीकी से ऑब्जर्वेशन करते थे, अपने नोट्स बनाते थे, और उस बेसिस पे इन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी, जिसमें से ये एक थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक तरह से छोटे साइंटिस्ट होते हैं, अ लिटिल साइंटिस्ट, जो कि चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं और दुनिया को समझते हैं। इस चीजों को सिर्फ ना केवल दुनिया को समझते हैं बल्कि किसी भी चीजों को, किसी सामान को, और बहुत सारी चीज ऐसी है जिस पर वो अपने कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इनका कहना है। मतलब पियाजे के हिसाब से लर्निंग जो है बच्चा जो छोटे एज में वो कैसे सीखता है, वो एक्सप्लोर करके, जैसे एक साइंटिस्ट
चीजों को एक्सप्लोर करता है, उससे इंटरेक्ट करता है, उसी तरह छोटे बच्चे भी एक तरह से साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हैं जब वो छोटे होते हैं। तो अब देखते हैं पियाजे ने जो अपने स्टेज बताया कि किस स्टेज में कैसे कैसे वो बच्चा लर्निंग सीखता है, तो उन्होंने बताया कि जो बच्चा जो है वो चीजों को रिकॉग्नाइज करके सीखता है, चीजों को अंडरस्टैंड करके दुनिया को अंडरस्टैंड करता है, पहले वो चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे घर में जैसे पानी होता है हमारे पास, तो हम छोटे बच्चों को बताते हैं ये पानी है और इसे पिया जाता है। छोटे बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल से कम तक के बच्चे को, तो वो चीजों को पहले रिकॉग्नाइज करवाते हैं उसे कि एक दो बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार हम बच्चे को बताते हैं, फिर बच्चा उसे देख के, फिर उसे अगली बार जब हम उसे दोबारा दिखाते हैं तो बच्चा उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये पानी है, और फिर इस हिसाब से वो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट करता है, और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेज में उस चीज को उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाता है, फिर बाद में जब वो बड़ा जब होता है तो उससे रिलेटेड डिटेल में उस चीज को समझता है। तो पियाजे के हिसाब से ये जो थ्योरी है ये स्टार्ट होती है बर्थ से स्टार्ट होकर के अडल्टहुड तक चलती है। बर्थ का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, वहां से स्टार्ट होकर अडल्टहुड का मतलब है कि जब बच्चा अडल्ट की एज होता है। अडल्ट का मतलब यहाँ पे जैसे कंप्लीट अडल्ट जो हम बात करते हैं 18 की बात करते हैं, यानी कि 0 से लेकर 18 तक का जो एज होता है, इस एज को बहुत ज्यादा क्रूशियल जीन पियाजे बताते हैं। आगे देखते हैं, इन्होंने जो 4 स्टेज बताए जरा इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो स्टेज बताया इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये बच्चे का बर्थ से लेकर के 2 ईयर के बीच में होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से 2 साल तक का जो एज होता है इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है 2 से 7 साल के बीच में, इसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है। और जब 3rd स्टेज है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 ईयर से लेकर 11 ईयर के बीच के जो एज होती है इसे उसने 3rd स्टेज में डिवाइड किया है जीन पियाजे ने, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से लेकर अप टू अडल्टहुड। अडल्टहुड का मतलब है एज ऑफ 18, मतलब 12 से लेकर 18 एज का जो बच्चा होता है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे पहले तो आप इस टर्म से बिल्कुल क्लियर हो जाइए किस एज में ग्रुप को क्या बोलते हैं। सबसे पहले 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज, फिर उसके बाद 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और नेक्स्ट जो है हमारे पास 12+ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अप टू 18। अच्छा, अब डिटेल में चारों स्टेज को समझते हैं। इन चारों स्टेज में जीन पियाजे हमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चे अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं दुनिया के बारे में, अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं, कैसे चीजों को टच करके, उसे ग्रैप करके, उसको वॉच करके, उसके बारे में सुन करके। जैसे बच्चा जब 0 से लेकर 2 साल के बीच में होता है, हर चीजों को टच करता है, उसको ग्रैप करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसे अपने मुंह में लेता है, डालता है, चीजों को देखता है, मम्मी पापा या जो भी घर में आता है सबको सुनता है, और इन एक्टिविटी से वो अपना हर दूसरी चीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट करता है 2 से 7 साल के बीच में। फिर नेक्स्ट स्टेज जो उसकी आती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है 2 से 7 साल की उम्र, और इस स्टेज में ही बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बड़ा ही की फैक्टर है जो इस एज में स्टार्ट होता है। कई बार सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बेस्ट टाइम क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो नॉलेज सीखना जो स्टार्ट करते हैं, जो बच्चा लैंग्वेज जो सीखना स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं, 2 से लेकर 7 साल के बीच में वो लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करता है। अच्छा, फिर आगे बताता है कि स्टेज में क्या होता है, चीजों को सिंबॉलिक तरीके सीखना स्टार्ट करता है, जैसे वो ड्राइंग करना स्टार्ट करता है, बातचीत करना सीखता है, ये सारी चीजें जो होती है बच्चे के अंदर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो 7 से 11 साल की, और स्टेज का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है, चीजों को लेकर के लॉजिकल चीजें समझने लग जाते हैं, चीजों की हाइट, वेट और वॉल्यूम को समझना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है तो वो बॉल किस स्पीड से आ रही है, कितना भारी है, कितना साइज है, इस चीज को बच्चा जज करना स्टार्ट कर देता है। कि जैसे आपने छोटे बच्चों को दिया है, देखा होगा जब वो कोई भी चीज उसके पास आ रही होती है, जैसे बच्चा 0 से लेकर 2 साल तक का है तो वो चीजों को पकड़ नहीं पाता कि भाई कौन सी चीज कितना हाथ फैलाना है, क्लियर नहीं होता उसका। 2 से 7 साल में भी कुछ कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ कुछ नहीं, कुछ श्योरिटी नहीं है।
पर 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, वो लॉजिक लगा के सोच सकता है कि कौन सी चीज कितनी भारी है, कितना इसका वॉल्यूम हो सकता है, कितना इसका हाइट है, कितना वेट है, इस कॉन्सेप्ट को बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। और इसके अंदर बच्चा कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, किसी चीज को वेस्ट नहीं करना, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के अंदर वो आ चुका होता है इस स्टेज के अंदर जो आप देख रहे हैं। इसमें बच्चा जो गेम खेलना स्टार्ट करता है, जैसे बच्चा मॉडलिंग की, क्ले मॉडलिंग की, जैसे मिट्टी से कुछ चीजें बनाना, या फिर क्ले से किसी चीज, किसी क्ले को किसी शेप में डेवलप करना स्टार्ट करना, पानी से खेलना, इस तरह के जो गेम है बच्चा इसमें करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो प्रॉपर लॉजिकल थिंग्स को, लॉजिकल रूल को समझ लेता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे स्कूल सिस्टम में जो अलजबरा होती है, वो अलजबरा इसी स्टेज में आती है। जब बच्चा 10 प्लस या फिर 12 प्लस या फिर हम कहें कि 12 के आसपास की जो एज की बात, कहने का मतलब है 6, 7, 8 में जो अलजबरा आती है वो इस वजह से आती है अलजबरा, क्योंकि ताकि इस उम्र तक बच्चा आने से पहले बच्चे के अंदर जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कभी भी अलजबरा छोटी क्लास में नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5 क्लास में नहीं होता, क्लास 6 ऑनवर्ड होता। उसका रीजन यही है कि तब तक क्लास 6 तक आते आते ये अज्यूम किया जाता है कि तब तक बच्चा लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो चुकी होगी, इस वजह से अलजबरा जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे की इस स्टेज में आता है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये चीजें आती है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं हम चारों स्टेज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब है बर्थ से लेकर 2 ईयर का। इसके अंदर जो बच्चा होता है क्या चेंजेस बच्चे के अंदर, या बच्चा लर्निंग को कैसे सीखता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वो वर्ल्ड में जो उसके अराउंड में जो चीजें होती है उसको वो टच करके, उसको अपने करीब ला करके, उसे अब मुंह में जैसे डाल करके, ठीक है, अपने हाथों से उसे पकड़ के, इस तरह की चीजें कर करके वो चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से वो धीरे 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 वो चीजों को देख करके, उसको टच करके, उसको स्मेल करके, उसे कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे हर चीज को मुंह में लेते हैं। मुंह में इसलिए लेते हैं, वो चेक करते हैं एक तरह से, जो जैसे प्याजे ने बोला है कि बच्चे क्या होते हैं, एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो जैसे एक साइंटिस्ट चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चा भी हर नई चीज को देख करके उसको टच करता है, उसको स्मेल करता है, उसको मुंह में डाल के टेस्ट लेता है कि ये खाने की चीज है कि नहीं है, उसे नहीं पता होता है। तो ये सारी चेंजेस जो बच्चे के अंदर आती है वो आती है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। अच्छा, फिर आगे क्या होता है, वो चीजों को जब ये सारी एक्टिविटी बच्चा करता है तो चीजों को, ऑब्जेक्ट को वो समझ पाता है, इसी तरह वो इंसान को भी पहचान पाता है, और उसके टेक्सचर को, उसकी जो विजन है या साइट है उस चीज को समझ पाता है। इस स्टेज का जो मेनली जो कॉग्निजम अचीवमेंट जो बच्चे के अंदर होता है वो ये होता है कि वो लोगों को या किसी ऑब्जेक्ट को सुन करके, टच करके उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है। और यही वो स्टेज होती है जब बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, या कोई जो अननोन पर्सन है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ये पर्टिकुलर इसी स्टेज के अंदर होता है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारे पास ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, और बच्चे के अंदर जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बच्चा एक्सट्रैप चीजों को समझ पाता है। एक्सट्रैप थिंकिंग का मतलब हमारे यहाँ ये है कि जैसे आप बच्चे को बोलते हैं कि ये 3 चीजें, ये 4 चीजें, ये 5 चीजें, तो जैसे पहले आप उसको विजुअलाइज कराते हैं कि काउंट करके 1, 2, 3, ये 3 चीजें हैं, 3 ऑब्जेक्ट रखे। सपोज जैसे ये 3 पेंसिल आप बच्चे के सामने रख दें, ये 1, 2, 3 ऐसे बोलते हैं, तो बच्चा देखता है, फिर उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, हाँ ये 3 चीजों, 3 का मतलब 3 ऑब्जेक्ट है, 4 का मतलब 4 ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह की जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो बच्चे के अंदर हो जाती है वो डेवलप हो जाती है। और यही एक स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और न्यू वर्ड और जो उसके जो बिहेवियर में न्यू वर्ड, न्यू एक्ट, वो सब चीजें इस स्टेज में सीखना स्टार्ट करता है। अच्छा, इसी स्टेज के अंदर यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा थोड़ा सा इकोसेंट्रिक होता है। इकोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर यह है, वो ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। ये एक तरह से क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर हो जाती है कि उसके पापा मम्मी या उसके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके बारे में क्या मतलब पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं उसे, तो इस तरह की जो बातें बच्चे के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है स्टेज के अंदर। अच्छा, इस स्टेज के अंदर जो 5 की
बिहेवियर जो पियाजे ने बताए, अब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली जो बात बताएं कि बच्चा क्या करता है, इमिटेट करता है, इमिटेशन हो जाता है। इमिटेशन का मतलब है यहाँ पे कि जैसे बड़े लोग करते हैं उसकी हूबहू नकल करता है, यानी कि उसकी मिमिक्रिंग करना बच्चा स्टार्ट कर देता है कि पापा किस तरह से घर ऑफिस से आते हैं या मम्मी खाना कैसे बनाती है, इस तरह की एक्टिविटी इस स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। फिर बच्चा इसी स्टेज के अंदर जो सेकंड जो चीज करता है वो सिंबॉलिक प्ले करता है। सिंबॉलिक प्ले का मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसी गेम खेलता है, जैसे अपने पापा मम्मी को देख करके घर घर खेलना, ठीक है, कि खुद अपने आप को पापा की तरह एक्ट करना लग जाता है, कुछ जैसे बड़े काम करते हैं उस तरह के काम करने लग जाता है। तो ये चीजें इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर करता है। नेक्स्ट है कि ये जो स्टेज होती है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे को जो कुछ करना पसंद आता है वो आता है ड्राइंग करना, कि इस स्टेज में बच्चा चीजों को ड्रॉ करना, ठीक है, किसी भी चीज को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना, उसे मोल्ड करना, इस पर्टिकुलर स्टेज में करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंटल इमेजिनेशन, इमेजिनरी, यानी कि इस स्टेज के अंदर वो बच्चा अपने दिमाग में किसी दूसरी चीज के बारे में एक इमेज बना देता है। जैसे बच्चे को मान लीजिए आप एक बार आइसक्रीम खिला देते हैं, तो जैसे बच्चे को वो चीज पसंद आती है तो आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट समझ जाता है कि हाँ वो चीज जो ठंडी होती है, जो अगर हम जल्दी जल्दी ना खाएं तो वो पिघल जाती है। तो इस तरह की इमेजिनेशन जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके अलावा बच्चे के अंदर जो वर्बल वर्बल कोड जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट करती है। कहने का मतलब बच्चा बोलना स्टार्ट कर चुका होता है, लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एज ए टीचर जब बच्चा हमारे पास आता है वो इसी स्टेज में आता है, यानी कि लगभग 6 या 7 साल में बच्चे का एडमिशन स्कूल में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल ध्यान से समझिए स्टेज में क्या होता है। अच्छा, इसमें बच्चा थोड़ा सा लेस इकोसेंट्रिक होता है। इकोसेंट्रिक का अंदर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बच्चा अपने बारे में सोचना स्टार्ट करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा मिनिमाइज करके वो यहाँ पे वो थोड़ा सा रैशनल हो जाते हैं। रैशनल का मतलब वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है इस एज के अंदर। इस पर्टिकुलर एज के अंदर बच्चे के अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो लॉजिक लगाना स्टार्ट, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्ची जैसे किसी भी चीज को उसके ऑर्डर में, जैसे ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर आ जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज के अंदर उसके जो पीछे क्या लॉजिक हो सकता है उस लॉजिक को बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है इस स्टेज के अंदर। अच्छा, अब डिटेल में देखते हैं स्टेज के अंदर क्या क्या सब स्टेज आते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हमारा यह है कि किसी भी चीज को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जैसे साइकोलॉजी में अगर हम इस चीज को बात करें तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट डेट कैन चेंज इन साइज, वॉल्यूम और अपेयरेंस, यानी कि इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे पहले क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके आपसे बात करना चाहूंगा कि पहले क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो किसी भी लेडी को देखता है तो उसका मतलब होता है, लेडी का मतलब मम्मी होता है। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेज में बच्चा आता है तो वो सोचता है कि मम्मी के अलावा भी दुनिया में कुछ और लेडी भी होती है, यानी कि और भी औरतें होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे का इस एज में डेवलप हो जाता है। जैसे 0 से 2 साल में बच्चा पहले समझ सीख आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, 2 से 7 साल के अंदर बच्चा ये सोचता है हाँ ठीक है जो साड़ी पहनती है या फिर ऐसा लुक होता है जिसके लंबे बाल होते हैं उसका मतलब मम्मी होता है, यानी कि वो किसी भी लेडी को देखता है सबको मम्मी समझता है। लेकिन जब बच्चा इस स्टेज के अंदर आता है यानी कि 7+ होता है तब वो समझ जाता है कि मम्मी का मतलब वो जो घर में है और जो बाहर है वो मम्मी नहीं, वो आंटी या फिर टीचर या XYZ हो सकते हैं। तो इस कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चा किस तरह से चीजों को मतलब चीजों में डिफरेंस समझ पाता है कि भाई एक सिमिलर चीजें और डिफरेंट चीजों में क्या अंतर है, कैसे आइडेंटिफाई करने, ये चीजें वो समझ पाता है। कि जैसे आप मान लीजिए कि भाई किसी छोटे बोतल के अंदर पानी रखें और किसी लॉन्ग नेक वाले बोतल के अंदर पानी रखें तो वो समझ पाता है कि भाई किसमें पानी ज्यादा है। पहले क्या होता है कि पतली नेक वाले बोतल में अगर आप पानी रख दें, ठीक है, और किसी एक कटोरी में, छोटे कटोरी में रख दी, पर कटोरी का साइज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो पहले बच्चा सोचता है नहीं, नेक वाली जो बोतल है जिसके अंदर बेशक नेक छोटी है पतली है लेकिन उस हाइट के हिसाब से सोचता है कि इसके अंदर ज्यादा पानी आएगा। बट इस स्टेज में वो समझ पाता है कि भी हाइट के हिसाब से नहीं बल्कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा एक्वायर कर पा रही है पानी, उस हिसाब से डिसाइड कर पाता है कि कौन ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है।
तो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ये बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। हाँ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि 11 से लेकर के 11 से लेकर अडल्टहुड, अडल्टहुड का मतलब हम यहां बात करेंगे 18 तक का जो स्टेज होता है उसकी बात करेंगे। इसके अंदर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है, वो किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर ये जो एबिलिटी है वो आ चुकी होती है, वो इन्वायरमेंट को और आसपास की चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर चुका होता है, वो ऑब्जेक्ट को फैक्ट को और जो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो इस पर्टिकुलर एज के अंदर बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके अलावा बच्चा अपने जो पुराना नॉलेज है यानी प्रीवियस नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज है न्यू थ्योरीज है दोनों में कोरिलेट कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि छोटी क्लास में जैसे वो काउंटिंग सीखता है या टेबल सीखता है और जब बड़ी क्लास में जाता है तो वो टेबल का यूज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख जाता है। तो यानी कि ये प्रीवियस नॉलेज और जो करंट नॉलेज है दोनों को एसोसिएट करना, दोनों को जोड़ के नई चीजों को सीखना शुरू कर देता है स्टेज के अंदर। अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्कीमा पहले बात करते हैं स्कीमा का। ये एक तरह से ये क्या नाम है कैटेगरी ऑफ नॉलेज है या फिर मेंटल टेम्पलेट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जैसे बच्चा जो होता है उसकी मतलब लेडी का मतलब मम्मी या फिर मम्मी होती है फिर बाद में समझ पाता है कि मम्मी और बाकी लेडीज में डिफरेंस होता है। उसी तरह जब बच्चा पहली बार डॉग को देखता है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए बच्चा पहली बार डॉग को देखता है तो कोई अगर डॉग की बात करता है डॉग का मतलब वो सोचता है जिस जो डॉग उन्होंने देखा है। मान लीजिए कोई अपने घर में एक पालतू डॉग या कुत्ता पालता है एक पेट पालता है तो कोई भी उसे डॉग बोलता है तो वो अपने डॉगी को समझ पाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा बच्चा बाहर मतलब अपने इन्वायरमेंट को समझना स्टार्ट करता है तो वो फिर वो समझ पाता है डॉग का मतलब सिर्फ उसके घर में जो डॉग है सिर्फ उस डॉग को नहीं बाकी इसके रिमेनिंग जो दुनिया में और भी डॉग है उसको समझ पाता है कि डॉग का मतलब एक कैटेगरी सिर्फ उसके डॉग को नहीं बल्कि वर्ल्ड में जितने भी डॉग हैं उसकी जो एक एनिमल की जो कैटेगरी है उसको रिकॉग्नाइज उसको उसके साथ एसोसिएट कर पाता है। कहने का मतलब है इसके अंदर कि पहले जो बच्चे के अंदर जो समझ थी अंडरस्टैंडिंग थी अब वो पहले से ग्रेटर हो चुकी होती है और उस चीज को अब वो पहले से ज्यादा उसे एकोमोडेट यानी कि अपने अंदर धारण कर लेता है, उसको अपने पुराने के साथ नए कॉन्सेप्ट को जोड़ पाता है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस करना। तो जैसे अब इसमें इक्विलिब्रियम मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू कंटिन्यू थ्रू द स्टेज, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि किसी चीज के साथ बैलेंस करना। यानी कि जैसे छोटे क्लास में जो कॉन्सेप्ट उसने सीखा और नई क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है फिर उन दोनों को कोरिलेट करके उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं कि पहले ये चीज इतनी सीखी फिर उस बाद में ये चीज इतनी सीखी दोनों को जोड़ के दोनों के अंदर फिर उसके अंदर जो दिमाग के बच्चे के अंदर जो दिमाग में कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं हाँ ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ इस तरह के कॉन्सेप्ट को वो सीख पाता है कि भाई ये हमारे सर ने जो टेबल सपोज टेबल लर्न करवाए वो टेबल का यूज अब बड़ी क्लास में डिवाइड में मल्टीप्लाई में या फिर बड़े सम्स को सॉल्व करने में यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को वो समझ पाता है। अच्छा एक मिनट हाँ ठीक है नेक्स्ट कि अब इस जो कॉग्निटिव डेवलपिंग की जो पियाजे की थ्योरी है इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई है कि ये स्टेज के अंदर मतलब सिर्फ बेनिफिट्स नहीं है इसके अंदर कुछ जो रिमेनिंग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ कुछ क्रिटिसाइज किया है कि वो क्रिटिसाइज किया क्या उन्होंने बोला है कि भी ये जो पियाजे की जो थ्योरी है वो इनकंसिस्टेंट है मतलब वो एक तरह से कंसिस्टेंट नहीं है कि पहले क्या फिर क्या उसमें कुछ गैप फील करते हैं कि मतलब जो चारों स्टेज के अंदर प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी नहीं है ये मतलब क्रिटिसिज्म है इसका। अच्छा और ये कहते हैं कि डजंट अकाउंट ऑफ अदर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव जैसे उन्होंने बोला कि बाकी जो पियाजे की थ्योरी के अंदर ये बोला कि वो जो बाकी जो रिमेनिंग जो चीजें हैं जो बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं
उस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता ये, यानी कि ये सिर्फ बच्चे की इंडिविजुअल यानी कि हेरिडिटी की बात करता है, इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं करता पियाजे की थ्योरी, ये इसके क्रिटिसिज्म है। और ये मतलब एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो नहीं करता, ये जो जो अदर देन जो पियाजे के जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस तरह से इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम एज ए टीचर एज ए पेरेंट्स किस तरह से हम पियाजे की थ्योरी को अपने स्टूडेंट और अपने बच्चों को सिखाने में यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जैसे पियाजे ने बोला है कि बच्चे क्या होते हैं, एक तरह से लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, एक छोटे साइंटिस्ट होते हैं जो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें को बहुत सारे ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो और अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो और एक्सप्लोर करेंगे, तो और एक्सप्लोर करेंगे तो और इन्वायरमेंट को और अपने आसपास की चीजों को और अच्छे से सीखेंगे। तो जैसे छोटी एज है, छोटी एज में हम उनकी बच्चों की हेल्प हम किस तरह से करते हैं, हम उसे ऐसी इंटरेस्टिंग खिलौने देख के कर सकते हैं जिससे उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, जिसमें हम उनको सुडोकू दे सकते हैं छोटे बच्चे को, मतलब जब मतलब जो मतलब आपके बचपन में है छोटे बच्चे तो हम उनको सुडोकू दे सकते हैं, कोई लॉजिकल गेम या पजल दे सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉग है, डॉग की स्पेलिंग है, तो आप अल्फाबेट ला के दे दीजिए उनको, बोलिए इसको अरेंज करें, एक छोटा सा है जो छोटे बच्चे कर सकते हैं। कोई भी लॉजिकल पजल दे सकते हैं, जैसे आपने थ्री लिख दिया तो बच्चे को बोलिए कि भाई थ्री बॉल उठा के यहाँ रखो, इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पियाजे की ये थ्योरी है इसका यूज हम अपने छोटे बच्चों को सिखाने में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब इस तरह ये थ्योरी है ये किस तरह से हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे गए। जैसे मैंने 2019 का पेपर उठाया, उस पेपर में से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए कि किस तरह से साइकोलॉजी में ये थ्योरी या फिर इसकी जो अदर थ्योरी है वो कैसे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाइल व्यूइंग द चिल्ड्रन एज अ एक्टिव सीकर ऑफ द नॉलेज एम्फेसाइज ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल कल्चरल कंटेंट ऑफ देयर थिंकिंग। तो ये चार ऑप्शन है, एक बार आप देख लीजिए, पॉज करके इसके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ, यानी कि लॉरेंस कॉलबर्ग। यानी कि पियाजे ने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं बात की थी कि सोशल या कल्चरल कंटेंट के बारे में पियाजे ने कभी बात नहीं कही, तो ये बात करते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग ने बात की पीएफ की थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइजियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेंट ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी कि इनमें से कौन सा कंटेंट है जो पियाजे की थ्योरी के अंदर आता है, कि जैसा पहले आप देख लीजिए फिर मैं आंसर बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ए स्कीमा, स्कीमास। यानी कि आपको याद होगा कि जैसे मैंने जब मैं आपको समझा रहा था उस बीच में ये वर्ड आया था, थोड़ा एक मिनट में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जैसे मैंने इसके अंदर जो आपको एग्जांपल दिया था मम्मी का और डॉग का जो एग्जांपल दिया था वो इसी के अंदर आ रहा था, तो स्कीमा। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये पियाजे की थ्योरी के अंदर आया था, जिसमें बच्चा लेडीज का, लेडी का मतलब पहले मम्मी समझता, फिर बाद में समझता कि मम्मी के अलावा भी और भी लेडीज होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास जो आया वो इसके अंदर से आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्कर इन अ रैपिड पेस। रैपिड पेस, सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर जो ग्रोथ होता है वो किस स्टेज के अंदर आता है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसको रीड करिए एक बार वीडियो पॉज करके। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड किया होगा। तो ये जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, यानी कि इन्फेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंट या अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है जीरो से लेकर के दो या तीन साल की जो एज होती है, इसके अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। यानी कि पहले बच्चा बैठना सीखता है, बैठने सीखने के बाद वो थोड़ा बहुत चलना सीखता है, हाँ, और फिर आवाजें निकालना सीखता है। तो ये जो एज होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा रैपिड चेंजेस बच्चे के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्वाइजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। ये चार ऑप्शन है, आप पढ़िए और वीडियो पॉज करके अपने आंसर देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है एडोलेसेंस। अब आप बोलेंगे एडोलेसेंस क्यों है, वो एडोलेसेंस इसलिए कि मानते हैं कि बच्चा 2 से 7 साल की एज में बच्चा बोलना और लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है,
पर ये जो अडल्ट 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 एडोलेसेंस यानी कि 13 साल से लेकर जो 18 साल का जो एज होता है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। यहाँ तक बच्चा शब्दों को बोलना, प्रोनाउंसिएशन करना और लैंग्वेज के बहुत सारे स्किल को सीख चुका होता है, लेकिन ये जो स्टेज होती है इसके अंदर वो अपने नॉलेज को मतलब लैंग्वेज रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसको शार्प करता है। मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कि जो वो करेक्ट कैसे लिखना है, सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन करना है प्रॉपर, वो इस स्टेज में सीखता है। यानी कि 13+ यानी आप बोल सकते हैं 12+ जो एज होती है, 12 से लेकर के जो 18 एज जो होती है वो हमारे, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे 4th हो जाएगा। अच्छा अब समरी देख लेते हैं कि भी इस पर्टिकुलर पियाजे के थ्योरी में क्या था। तो सबसे पहले जो पियाजे ने जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो बताए कि अलग अलग स्टेज में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, कि इसने इन्होंने 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज बताए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो कितना समझा है, वो 4 स्टेज कौन से वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वो 4 स्टेज आपको मैंने कौन कौन से बताए, 4 स्टेज का नाम लिखना है आपने, और नाम के बाद आपको उनकी एज भी लिखनी है कि किस एज के बीच में कौन कौन सा स्टेज आता है। अच्छा अब उसके बाद ये इंक्लूड करता है हर हर स्टेज की छोटी छोटी कोई माइलस्टोन है बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं। अच्छा और फिर बाद में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस तरह से लोग पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा, जैसे कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, थोंडाइक, पाब्लो स्किनर या फिर मारिया मोंटेसरी, ये कुछ टॉपिक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इनमें से जो भी टॉपिक को लगता है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को खत्म करने से पहले प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगती है उसे कमेंट जरूर करिएगा। हमारा ये चैनल है फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ भी जो चेंजेस आप वीडियो के अंदर चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।